फ्रेंड्स, टॉप 5 स्टॉक्स जो कि 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ स्टॉक्स हैं जो 52 वीक लो पर ही हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जो 52 वीक लो के बिल्कुल आसपास हैं। तो ऐसे शेयर जो कि बहुत ज्यादा गिर चुके हैं उन्हीं पे हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में इन दिनों काफी गिरावट होने के बाद वापस से मार्केट में सुधार आया है। जैसे दोस्तों देखा आपने, मार्केट बहुत अच्छा खासा करेक्ट हो गया था, उसके वापस बाद वापस से मार्केट में तेजी देखने को मिली है। तो गिरावट में हम जितने ज्यादा स्टॉक खरीदें, यानी जितना जितना स्टॉक गिरता जाए उसे वैसे हम स्टॉक में परचेजिंग करें, तो जब मार्केट में फिर वापस उछाल आता है तब हमारे को फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पूरी तरह से अच्छे से समझ पाएंगे, आधा अधूरा देखेंगे तो अधूरा ही ज्ञान लेकर के आप जाएंगे। बढ़ते हम हमारे पहले स्टॉक की तरफ। पहला स्टॉक है हमारा दोस्तों HDFC बैंक। दोस्तों, ये स्टॉक है जो कि HDFC बैंक है, जो कि बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। ये स्टॉक है जिसका 52 वीक हाई था 1757 रुपीज 50 पैसा और 52 वीक लो है यहाँ पे 1460.25 पैसा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, 52 वीक लो के आसपास बिल्कुल ये स्टॉक पहुंच गया 1484.50 पैसे के, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका जो 52 वीक लो है उसके बिल्कुल आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये देखिए, अगर यहाँ वन डे का ग्राफ देखिए तो ऐसे चल रहा था और यहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर का ग्राफ दिखाऊं दोस्तों, तो इसका देखिए बिल्कुल इसके आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक में। और 5 ईयर का ग्राफ दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। 5 ईयर के ग्राफ देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा करेक्शन था इस स्टॉक में, उसके बाद यहाँ पे इतनी ज्यादा भी तेजी देखने को मिली थी, फिर करेक्शन आया था, फिर तेजी थी और फिर करेक्शन है। तो दोस्तों ये करेक्शन थोड़ा और बढ़ भी सकता है और अब यहाँ से वापस से स्टॉक रिकवर भी हो सकता है। तो पहला स्टॉक था हमारा HDFC बैंक जो कि 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है हमारा UPL। UPL स्टॉक है जो कि काफी अच्छी गिरावट के बाद ये मार्केट में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 807 था इसका और 52 वीक लो इसका 528 रुपीज 15 पैसा। दोस्तों, यहाँ के 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 550 पे करंट में ट्रेड कर रहा है। वन डे का ग्राफ देखें तो ये इसी के आसपास ट्रेड करता रहा। और अगर दोस्तों हम इसका 1 ईयर का ग्राफ देखें तो दोस्तों देखिए, इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है, बहुत अच्छे से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। यहाँ तक भयंकर गिरावट के साथ ये स्टॉक यहाँ पे पहुंचा है। और 5 ईयर का इसका हम ग्राफ देखें तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये ट्रेड कर रहा था, फिर यहाँ पे बहुत अच्छा करेक्शन आया था, फिर यहाँ बहुत अच्छा उछाल था इसमें, और फिर यहाँ पे वापस अच्छा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये दो स्टॉक हैं, दूसरा हमारा UPL स्टॉक था। अब बढ़ते हम थर्ड स्टॉक की तरफ जो कि 52 वीक लो के आसपास है, वो है दोस्तों हमारा एजिस लॉजिस्टिक्स। एजिस लॉजिस्टिक का 52 वीक हाई है यहाँ पे 410 रुपीज 50 पैसा और 52 वीक का लो है 280 रुपीज, और ये इसी के आसपास ट्रेड करा है 280, और यहाँ पे क्लोज हुआ है 282 रुपीज 90 पैसा। वन डे का ग्राफ देखें तो देखिए, बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक में। और 1 ईयर का हम इसका ग्राफ देखेंगे तो दोस्तों देखिए, ये स्टॉक बढ़ता जा रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला, फिर बढ़ा था, फिर वापस करेक्शन देखने को मिला है। 5 ईयर का ग्राफ देखेंगे तो स्टॉक यहाँ तक भी गया है दोस्तों, 380 रुपीज तक गया था, फिर उसके बाद यहाँ बहुत अच्छा सा करेक्ट हो गया था, 171 पे आ गया था, फिर बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला था और फिर बहुत ही अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ ये मार्केट की वैल्यू जो है इनकी, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है कि आप इन स्टॉक को खरीदें। आपको अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो आप अच्छे से रिसर्च करके खुद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही स्टॉक खरीदिएगा। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम हमारे फोर्थ स्टॉक की तरफ, वो है हमारा सुमिटोमो केमिकल। सुमिटोमो केमिकल का 52 वीक हाई भी 499 रुपीज था और 52 वीक लो है 371 रुपीज। दोस्तों देखिए, इसके आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 373 पे, जो कि 52 वीक लो है।
1 ईयर 1 डे का ग्राफ देखें तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छी गिरावट इसमें देखने को मिली है। और 1 ईयर का अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो दोस्तों देखिए इस तरह से बहुत ही शानदार गिरावट देखने को मिल रही इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका है ये। और 5 ईयर का ग्राफ देखें तो देखिए दोस्तों ये स्टॉक बढ़ रहा था, यहाँ पे हाई था इसका और फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छी शानदार गिरावट के साथ 373 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट और फिफ्थ स्टॉक की तरफ जो कि है आपका गुजरात गैस। दोस्तों गुजरात गैस में भी बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली है। 52 वीक हाई इसका 539 रुपीज 10 पैसा था और 52 वीक लो 397.05 है। और दोस्तों देखिए इसका ग्राफ देखिए तो 1 डे का ग्राफ देख रहे हैं तो इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है क्योंकि 52 वीक लो पे इसने काफी दिन पहले टच किया था और वहां से थोड़ा सा ये रिकवर हो चुका है। दोस्तों 4-5 दिन पहले बिल्कुल 52 वीक लो पे था, अब ये थोड़ा सा रिकवर करके 418.65 रुपीज पे आ गया है। देखिए इसका हम देखते हैं 5 डे का ग्राफ, तो देखिए 5 डे के ग्राफ में अगर इसको हम देखेंगे तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये बिल्कुल लो पे था, यहाँ से इसमें फिर अच्छे से रिकवरी देखने को मिली। यहाँ काफी नीचे था, ये 397 रुपीज पे था और फिर उसके बाद इसमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, 422 पे भी गला गया था ये। ये देखिए 1 मंथ का ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे इसमें अच्छी गिरावट देखने को मिली थी और फिर उसके बाद वापस से इसमें स्टॉक ने रिकवरी ले ली है। 1 ईयर का ग्राफ देखते हैं तो दोस्तों देखिए इसमें बहुत ही शानदार गिरावट देखने को मिली है, सुपर गिरावट के साथ काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 5 ईयर का ग्राफ देखते हैं तो दोस्तों देखिए इस तरह का इसका ग्राफ था, काफी नीचे था जो यहाँ तक पहुंच चुका था, ये इतना हाई बनाया था इसने, फिर वापस गिरावट देखी इसमें, इतना गिरावट 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 के साथ इतना गिर गया है, अब वापस से ये स्टॉक रिकवर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 स्टॉक जो कि मार्केट में काफी लो प्राइस में मिल रहे हैं, 52 वीक लो पर मिल रहे हैं। आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही बाय करें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये टॉप 5 स्टॉक जो कि 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक और नई शानदार वीडियो में। थैंक यू।